मेरे पास कुछ ये चॉकलेट चिप्स बच गए थे, अब चॉकलेट चिप्स बच गए हैं, इससे चॉकलेट सॉस भी बना सकते हैं, इसको आइसक्रीम के अंदर भी डाल सकते हैं, पैनकेक में डाल सकते हैं, मेल्ट करके काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो मैंने सोचा क्या किया जाए, तो मैंने सोचा लड्डू बना लेते हैं। अच्छा, इसके लिए ये मेरे पास है ओट्स, रोल्ड ओट्स। तो ये जो है ये लीजिए, ये चंकी वाला है, आपको स्मूथ वाला पीनट बटर मिले वो भी ले सकते हैं। तो ये हमने ले लिया, और फिर इसके अंदर ये जो हमारे पास रोल्ड ओट्स हैं, इसको थोड़ा गर्म करके इसके अंदर डालेंगे हम। तो ये पका लिया, इसे गरम कर लिया, नहीं पकाया मतलब ऐसे पानी वानी डाल के नहीं पकाया है, इसको इसी तरह से पकाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे रोस्ट नहीं कर देना, कड़क नहीं करना है, सॉफ्ट ही रखना है इसे, लेकिन गरम हो जाना चाहिए ये। अब देखिए ये गरम हो गया, तो इसको बंद करते हैं, और ये जो है रोल्ड ओट्स, ये इसके अंदर, उसके साथ साथ ये हमारे जो चॉकलेट चिप्स हैं, ये लीजिए चॉकलेट चिप्स इसके अंदर, उसके साथ साथ ये मेरे पास आमंड पाउडर, ये ले लिया जी। आमंड पाउडर मतलब आपने सिर्फ बादाम लेने हैं, बादाम चाहें तो थोड़ा सा रोस्ट करके पैन के अंदर, फिर मिक्सी में उसको घुमा दीजिए, ये देखिए छिलके के साथ ही। तो ये अब देखिए क्या मज़ेदार सारी चीज़ें। और फिर ये हमारे पास शहद, भाई इसको मीठा भी तो करना है, ये जो ओट्स हैं ये मीठे थोड़ी होते हैं, जो इसमें पीनट बटर है मीठा थोड़ी होता है, तो इसको मीठा करने के लिए ये देखिए ये हमने ले लिया, इसके अंदर हनी, और फिर हनी के साथ में इसको मिक्स कर दिया। ये लड्डू की तैयारी हो रही है हमारी, ये आप इसको लड्डू बोलिए, चॉकलेट बोलिए, क्या बोलना है, एनर्जी लड्डू है जी हाँ, इसके अंदर एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें ही ऐसी पड़ी हुई हैं कि खाएंगे कैलोरीज तो ज़्यादा होंगी इसके अंदर ना। अब इसके अंदर आमंड जैसे हैं, तो आमंड अच्छे तो होते हैं लेकिन कैलोरीज तो होती है ना उसके अंदर भी, और ये चॉकलेट भी। अब इसको देख लेते हैं हम, हाँ परफेक्ट, ये लिया, और उसके बाद ये मेरे पास टोस्टेड सेसमी। तो क्या करना है, ये इसके इस तरह से गोल गोल लड्डू बनाने, और ये सेसमी इसके ऊपर बढ़िया से, ये लड्डू तैयार। आप इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन खाने के लिए ना इसको एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर पर ही रख के इसको आप खाएं, क्योंकि तभी ये सॉफ्ट होगा, थोड़ा च्यूई होगा। और ये जो लड्डू है ना, ये लड्डू हैं या चॉकलेट है या क्या इसको कहा जाए, मिठाई है क्या है, खैर क्या फर्क पड़ता है कि क्या है, दिखने में भी बढ़िया है, खाने में बढ़िया है, बनाने में आसान है, और ऐसे भी नहीं है कि मतलब इसके अंदर देखिए ओट्स भी हमने कितनी सारी डाली है, तो ये ओट्स जो है एकदम बढ़िया हाई फाइबर वाली चीज़। मज़े लीजिए, मज़े से खाइए, और खा के कहिए वाह क्या लड्डू है।